हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा, यहाँ 9th क्लास की हम वर्कशीट की बात कर रहे हैं, जो कि 10 तारीख की है। हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधों से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधों के ना रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातों को लोग याद करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए हमें आज एक कविता जो है वो बताई गई है, और उसमें हमें उत्तर लिखने हैं। इस कविता में दो दो सवाल हैं। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कटकर गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना। कि कोई देखे कि मेरे आंगन में जो नीम कट गया है, उस नीम पे कभी तो मेरी सखियाँ दोस्त झूलती थी। बेटे का पालना गिर गया है, गिरी उसकी चिड़ियाँ जिसको बेटा देखता था, उड़ा उनका शोर। देखो एक घोंसला गिरा, देखो उन चिड़ियों का शोर भी अब यहाँ नहीं उड़ेगा, क्योंकि नीम का पेड़ तो गिरा दिया। वे आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने, देखो कैसे कांपी उसकी छाया। कि जब इस पेड़ को ये सब चीज़ें लाई गई बांधने के लिए, तो उस पेड़ की छाया भी काँप उठी। उसकी पत्तियों की छाया जिनसे घाव मैंने पूरे देखो कैसे कटी, उसकी छाल में दसी कुल्हाड़ी की धार किसकी, पेड़ की। मेरी गीतों में दसी, मनोती में दसी, मेरे घाव में दसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपये मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब। जो मेरे बेटे ने ही उस पेड़ का क्या कर लिया, जिसके लिए वो पालना बना था, उसका पैसे लेकर हिसाब कर लिया। जैसे कि घसीटते हुए किसी लावारिश लाश को ले जाते हैं, कुछ वैसे ही ले गए आंगन की धूप छाँव, सुबह शाम चिड़ियों का शोर ले गए, आंगन की धूप छाँव भी ले गए। ऋतुएं अब तक का संग साथ साथ, सुख दुख सब जीवन, जितना भी मैंने इस पेड़ के साथ बिताया था, वो सब के सब ले गए। सखी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भाई, इसमें से मित्र, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वंशी। आंगन में कौन सा पेड़ कटकर गिरा? आंगन में नीम का पेड़ कट करके गिरा। थर्ड आंसर, पेड़ के गिरने पर कवि ने क्या क्या गिरने या खत्म होने की बात कही? पेड़ के गिरने पर कवि ने, यहाँ जो ये है इसकी जगह शब्द लिखेंगे हम, सखियों का झूला, बेटे का पालना घोंसला इत्यादि गिरने की बात की, इत्यादि गिरने या खत्म होने की बात की है। यह हो जाएगा फोर्थ का आंसर। ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी? पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी क्योंकि उसे बांधा गया और कुल्हाड़ी से वार किया गया और कुल्हाड़ी लाई गई उसे काटने के लिए और कुल्हाड़ी लाई गई उसे काटने के लिए। बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया? बेटे और बाबा ने पेड़ को कटवाकर उसका हिसाब कर लिया या पैसे ले लिए। इस कविता के आधार पर विचार व्यक्त करके लिखे कि घर आंगन से पेड़ कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाता है।
घर आंगन से पेट कट जाने पर जीवन से, या क्या क्या की जगह आप लिखेंगे, शांति धूप छांव हरियाली इत्यादि, और इत्यादि के बाद आप लिखेंगे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेवंथ का आंसर। गतिविधि है कि आप अपने परिवार के लोगों से पेड़ों से जुड़े खेलों, रीति रिवाजों और घटनाओं पर चर्चा करें तथा पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप। तो बेटा ये आपको खुद ही करना है, अगर आप इसे करना चाहें तो, कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसा कोई खेल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस, डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज़।